अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, धरती जो गोले ते तकरीबन 7 अरब का वधीक माण्हू रहन था। दुनिया में मुख़्तलिफ़ हुकूमतूं आहिनि जिन ते हुकमरान हुकूमतूं कनि था। सुधरियल मुल्कनि में जेकॾहिं तरक़ी आहे, सुधारो आहे, अवामी भलाई जा कम थियनि था, त इन जो सबबु इहो आहे त उते जा हुकमरान अवाम सां कमिटेड आहिनि। पर बदक़िस्मती सां असांजे मुल्क जो शुमार उन्हनि में थे तो जिनके सुठा हुक्मरान न मिली सकिया आहिनि। पर खुशकिस्मती सां असांजे मुल्क जो ॻाणाटे में अहिड़ा माण्हू अचनि था जेके इन्हनि हुक्मराननि खां तमामु घणो वॾो कमु कनि था, जेके अवाम सां सॼी इंसानियत सां कमिटेड आहिनि। उन्हनि पंहिंजी सॼी ज़िंदगी इंसान ज़ात लाइ वक़्फ़ करे छॾी आहे, बिना कंहिं नफ़े नुक़सान जे सोचण जे। अॼु असां हिकु अहिड़े ई तमामु वॾे माण्हू सां वेठा आहियूं जंहिंजो नालो जॾहिं बि जिथे बि वरितो वञे थो तमामु घणे एतराम सां वरितो वञे थो। हर माण्हू उनजी इज़त करे थो ऐं हर माण्हू उनखे क़दर जी निगाह सां ॾिसे थो। अॼु असां पंहिंजे इन SIUT जे सरबराह डॉक्टर अदीबुल हसन रिज़वी साहिब सां वेठा आहियूं। डॉक्टर साहिब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। पर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज आप जिस मकाम पे हैं, आपका इदारा जो काम कर रहा है, उसकी तरक्की के लिए आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा? मेरा ख्याल है कि कमिटमेंट था, उसके साथ साथ टीम बड़ी अच्छी मेरे साथ आती है। इंडिविजुअल नहीं कर सकते थे, जो बैठे हुए हैं प्रोफेसर मंजूर, प्रोफेसर मुरली इस तरह से, और बहुत सारे लोग हैं जो कि टीम बनाई जिन्होंने, वो साथ लेकर चले हैं। और ये जो कोलाबोरेशन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलासफी इंस्टीट्यूट की है कि हर इंसान को इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, उसका हक है, पैदाइशी हक है, उसे हेल्थ केयर फ्री मिलनी चाहिए और इज्जत के साथ मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ जितने लोग आए, मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो लोग इस फिलासफी में बिलीव किया, उन्होंने ओन किया, और जिस वजह से हर चीज़ आसान होती चली गई। काम कोई भी हो, किसी काम को, नए काम को लेकर चलेंगे तो उसमें प्रॉब्लम तो होती है। और ये जो काम था बहुत यूनिक था, एक ऐसा वक्त, ऐसा समाज जहाँ पर पैसा खुदा था, जहाँ पैसा हर चीज़ को गवर्न करता है, मोशन को, वहाँ पर यह कहना कि जी इलाज होगा, फ्री होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड होगा और डिग्निटी के साथ होगा, तो एक ऐसा स्लोगन था कि उसको लोग यूटोपियन समझते थे, एक पागल का ख्वाब है। लेकिन हमारी टीम इतनी स्ट्रांग थी कि उसने इसको सही करके दिखलाया। और दूसरी जो इसके अंदर बहुत बड़ी हमारी स्ट्रेंथ थी, वो हमारी जो फिलासफी थी कि उसके अंदर हमने एक किस्म की पार्टनरशिप पैदा की बिटवीन हुकूमत और आवाम के साथ। आज से पहले कभी भी हमारे लोग किसी काम के लिए आवाम की तरफ नहीं देखते थे, हुकूमत की तरफ या PLF 480 की तरफ देखते थे या जाटा की तरफ, पायलट की तरफ। हमने हुकूमत का और जो अपने आवाम हैं उनका एक पार्टनरशिप उनकी पैदा कराई। हमारे आवाम जो हैं वो बहुत गरीब हों लेकिन दे आर वेरी जेनरस। मिसाल आप सिंध प्राविंस हैं तो मालूम है कि अगर एक रोटी भी उसके घर पर है, आप मेहमान जाएंगी तो वो रोटी आपके सामने ला कर रख देगा। तो हमने अपने आवाम की उस वैल्यू को समझा, हम गवर्नमेंट के साथ साथ आवाम के साथ गए और एक हमारा जो है पार्टनरशिप बनी, और पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा सोर्स हुई जो लेकर चली। अक्सर ये कहा जाता है कि ये चंद दिनों के बाद आगे नहीं चलेगा, आगे चलेगा, उसका सबूत है। जब हमने शुरू किया था तो यहाँ पर हमारे पास 8 बेड थे और उस पर डॉलर की कीमत 8 रुपए थी और पाउंड की कीमत 11 रुपए थी। उसके बाद इन्फ्लेशन का ये आलम हुआ कि आज डॉलर जो है 105, 106 पता नहीं कितना है और पाउंड 170-180 वो पहुँच रहा है। तो इन्फ्लेशन हुआ, इकोनॉमिक कंस्ट्रेन हुआ। जब भी इकोनॉमिक कंस्ट्रेन होता है तो फैसिलिटीज श्रिंक करती है, लेकिन यहाँ पर कंट्रारी टू दैट 8 बेड 800 में तब्दील हो गए, 800 से ज़्यादा हो गए। और उसके साथ साथ
9:30 तो ही डायलिसिस हर 24 आवर्स में होती है। कैंसर का बहुत बड़ा सेंटर बन गया, बच्चों को बहुत बड़ा वार्ड बन गया, उसके बाद सेटेलाइट सेंटर कराची बने और सखर के अंदर छबलानी जो है अपनी मिसाल आप है। तो ये सब हुआ और इसी पार्टनरशिप से हुआ, तो हमें और ज़्यादा इत्मीनान हो गया 40 साल के बाद कि इस मुल्क की आवाम चला सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, यकीन आपको टीम भी अच्छी मिली, लेकिन ये आइडिया जो आपने जब सोचा था, जब आप कह रहे थे कि लोग कहते थे एक पागल का ख्वाब है, आजकल के समाज में, आजकल के दौर में, तब भी मेरे ख्याल से ये होता होगा, आज भी ये है कि नफसा नफसी है, लोग अपने लिए जीते हैं, अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, हम ये जमा कर लें, ये कर लें। आपने पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी, आपने कुछ रखा नहीं, जो था वो बांटते गए। ये कहना मुश्किल है पूरी ज़िंदगी वक्फ की, मेरा ख्याल है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी कोना खाली नहीं पाता, मेरा ख्याल है कि हर तरफ मुझे सेटिस्फेक्शन है। और मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरी टीम के अंदर थी कि वो हर चीज़ में बिलीव करते थे, बिलीव किया और यहाँ तक लेकर गए। यहाँ तक यह कि नफसा नफसी का आलम आज भी बाहर तमाम हो रहा है और होता रहेगा, दैट्स ह्यूमन नेचर, वन नॉट स्टॉप इट। लेकिन एज ए डॉक्टर मेरा ख्याल है कि अगर आप ये समझ लें कि आपकी लाइफ कितनी है और ये मशीन कितनी कमज़ोर है, अल्टीमेटली दो रोटी खानी है आपको, ज़्यादा नहीं, तो आप अपनी ज़रूरियात को कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, उसे आप समझ कर सकते हैं। यहाँ तक है कि पब्लिक नफसा नफसी ये चलेगा, जो ये जैसा आपने खुद कहा कि समाज जो है वो अब पूरे पूरा डिपेंड कर रहा है एक्सप्लाइटेशन के ऊपर। आइए पूछें कि ऐसा क्यों है, हमें, हम क्यों फ्री की बात करते हैं, उसकी ज़रूरत है फ्री की बात, कि जो हमारे आवाम है, मुल्क आज़ाद है लेकिन आवाम ग़ुलाम है। किसी प्रॉमिस की आप बात कीजिए, इसलिए ग़ुलाम है कि जो इकोनॉमिक सोर्स है वो हमारा दाता ज़मीन है, और ज़मीनें चंद ख़ानदानों के अंदर बसी हुई हैं। तो हमें अगर ज़िंदा रहना है तो एज हारी ज़िंदा रहें, टिल सच टाइम दैट देर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन दिस कंट्री। तो उस वक्त तक आप मजबूर हैं कि आप लोगों की मदद करें। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनली भी अगर देखें तो हम जहाँ रह रहे हैं ये डेवलपिंग एरिया है, और इसके अंदर 80% दुनिया की आबादी डेवलपिंग एरिया के अंदर है, लेकिन रिसोर्सेज सिर्फ 20% है, और इन डेवलप्ड 20% आबादी है और 80% रिसोर्सेज है, तो दिस इनइक्वालिटी है, दिस हैज बीन कमिंग। ये लेकिन घर में जब हम आते हैं अपने मुल्क में भी हम यही डिस्पैरिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए हमारे अस्पताल अलग हैं, अमीरों के लिए अलग हैं, गरीबों के लिए अलग हैं, और जो वाकई गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। हम इन्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े अस्पतालों का नाम नहीं लेना चाहते हैं यहाँ पर, उनका आम आदमी से क्या वास्ता, आम आदमी से क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट भी उनको पैसे देती है, अच्छी सुई भी मिलती है, कमाते हैं लेकर बाहर जाते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आप अगर चाहते हैं तो उस इनकलाब की ज़रूरत है, जिसकी तरफ मेरा ख्याल है मेरे दोस्त भी इशारा करेंगे, कि जहाँ आप इक्वालिटी लाएँ और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी है आप जो मौजूदा निज़ाम है उसे तब्दील करें। आप जो बेज़मीन क्या है उन्हें आप मालिक बनाइए किसी न किसी चीज़ का। उसी वक्त आपने कहा था तालीम, तालीम एक हारी अपने बच्चे को तालीम कैसे दे सकता है, या आप जाकर देहात में बहुत रहा हूँ गया हूँ कि वो सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम में सो जाते हैं, अब बच्चा जो है उनकी एक वर्किंग यूनिट बन जाता है, तालीम कैसे दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मजबूरी इस बात की है कि जब तक कि
आपका बेसिक निज़ाम, जो बेसिक आपका सिस्टम है, वो इक्विटेबल नहीं होता, वो उन मेजॉरिटी लोगों की तरफ नहीं देखता जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनकी ज़िंदगी का दारो मदार बड़े लैंडलॉर्ड, जिम्मेदार चौधरी या वडेरे के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी नहीं कर सकते। और उस लिहाज से अगर देखें तो ये जमहूरियत भी कभी कभी महसूस होता है कि एक बहुत बड़ा ढोंग है कि जमहूरियत में जो आपका कॉमन मैन है वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है। शहर में वो पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन से हमका गुलाम बन जाता है मजबूरन, और देहातों के अंदर जिसकी ज़मीन पर वो काम कर रहा है उसे वोट देगा। तो जमहूरियत भी एक किस्म का एक मेरा ख्याल है कि ढोंग सा मालूम होता है, किसको अख्तियार मिला है कि वो अपने से अपनी किस्मत का फैसला करें। और फैसला उसी बात होता है कि जब तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होगी, इंसान का जहन आज़ाद हो ही नहीं सकता। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम जो सिलसिला डॉक्टर साहब साहब गालियों भी जारी रहती पर वक्त है मुख्तसर वक्फे। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, यहाँ पे किस किस चीज़ों की ट्रांसप्लांटेशन होती है, किडनीज और लिवर? इसके अंदर किडनी के हो रहे हैं, किडनी मेरा ख्याल है 5,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, और लिवर के करीब 8 या 9 हो चुके हैं। इंतज़ार इसलिए हो रहा है कि लोग अपनी वसीयत करने मानने के बाद दें तो और ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो वो ट्रांसप्लांट के अंदर जो ज़रूरत होती है कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप करना पड़ता है और मेडिसिन देनी पड़ती है, तो करीब 38 साल से तो हो रहा है, 30 साल से ट्रांसप्लांट हो रहा है, 5,000 ज़्यादा हो चुके हैं। हर मरीज फॉलोअप होता है, उसे दवाएं दी जाती हैं, सब कुछ होता है। इसमें जो इंस्टीट्यूट है ये बनने के बाद ये इसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन है, इसके अंदर बच्चों का वार्ड है, इसके अंदर यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, आईसीयूज़ हैं, और एक बहुत बड़ा कैंसर का अस्पताल भी इसी के अंदर जो मौजूद है, और बोन मैरो है, ये सब ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मैं अपने कोलीग से प्रोफेसर मंजूर का बताएं कि हाउ डू वी डिफर फ्राम अदर इंस्टीट्यूशन। लोग कहते हैं ना कि फला अस्पताल भी है, फला भी, हम दूसरे अस्पतालों से किस तरह से हम डिफरेंट हैं। उसकी वजह यह है कि आज तक किसी से कभी एक पैसा लिया नहीं गया, ना लिया जाएगा किसी चीज़ का भी। स्टैंडर्ड आप खुद देख लीजिए कैसा मेंटेन किया जा रहा है। कोई दवाएं किसी से बाहर मंगाई नहीं जाती, फार्मेसी 24 आवर थी 65 डेज के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम लोगों ने 40 साल में जो कुछ किया वो यहीं ला कर रख दिया। ये पूरा इंस्टीट्यूट जो है वो पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करता है, सिंध गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, और जो ज़्यादातर लोग होता है कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में ले लेते हैं काम करना और जाए कहीं और अस्पताल बनाते हैं। तो अभी तक मुश्किल यह है, ना तो पब्लिक ना मीडिया हमें उन लोगों से डिफ्रेंशिएट कर पाया है। हम में से जो भी जितना काम कर रहा है और जो भी उसकी यील्ड है,
या जो एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब जितनी बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हैं सब प्राइवेट सेक्टर ने बनाई है। ये सब इमारतें ये बिलोंग करती हैं ट्रस्ट को, और ट्रस्ट बिलोंग करता है सिंध गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो कुछ है हम छोड़ करके इसी जनरेशन को और इसी गवर्नमेंट को और इसी पब्लिक को जा रहे हैं, जो दूसरी जगहों पर नहीं है। और यहाँ तक है कि इंस्टीट्यूट नाम है प्रोग्रेस का, हमारी सबसे बड़ी जो डिज़ायर होती है कि हम जो मूविंग टेक्नोलॉजी है उसके साथ जितना करीब रह चुके रहे। और दूसरी चीज़ है एजुकेशन ट्रेनिंग, उसके सेंटर्स हैं। इस इंस्टीट्यूट की आप क्या समझते हैं कि क्या बुनियादी ज़रूरतों की अभी कमी है, कुछ चीज़ों का अभी यहाँ होना लाजमी है, उसके लिए आप क्या कहते हैं? और जितने पेशेंट्स का इलाज 5,000 से ज्यादा का आपने मरीजों का बताया, ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कितना खर्चा हो जाता है एक एक पेशेंट पे, दवाएं तक यहाँ से मिलती हैं? तो वो जो है एक पेशेंट पे कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई चीज़ भी उससे ली नहीं जाती किसी मरीज से। अब देखिए एक्सपेंशन जो है वो ज़रूरी है, एक्सपेंशन के लिए जहाँ कम हो गई थी तो एक अस्पताल किसी ने डोनेट किया कोरंगी में, जिसका नाम मैरोनिसा है, तो वहाँ पर पैट स्कैन लगाया जा रहा है जो करीब 80 करोड़ का है, और वहाँ दूसरी फैसिलिटीज खोली जा रही हैं, बच्चों के सेंटर खोले जा रहे हैं। तो अभी कमी हमेशा रहेगी, उसकी वजह यह है कि मेडिसिन डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। और तो हमें अपना वी हैव टू कीप पेस विद द मूविंग टेक्नोलॉजी, जो नई चीज़ें आ रही हैं तो वी हैव टू कीप पेस। उसके लिए हमें नई जगह की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, और मैन पावर की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो दिस ऑल, तो उसके बाद हमारे पास अब टीचिंग सेंटर होने वजह से नर्सेस का स्कूल चल रहा है, हमारे पास टेक्नीशियन का स्कूल चल रहा है, उसके बाद जो नर्सिंग असिस्टेंट का चल रहा है, और सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर है वो है फिजिशियन असिस्टेंट। ये वो स्टूडेंट लड़के लड़कियाँ जिनका MBBS में एडमिशन इसलिए नहीं मिल सके क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या एक या आधा मार्क कम था, उन सबको हमने फिजिशियन असिस्टेंट में लिया है। और वो 4 साल का कोर्स होता है, 4 साल के बाद उनकी डिमांड डॉक्टर से ज़्यादा होती है, और बहुत सारा काम वो लेकर चल रही है। लेकिन जहाँ तक है कि आप कभी भी इंस्टीट्यूशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता, कि इंस्टीट्यूशन की आंखें जो हैं वो होनी चाहिए फ्यूचर के ऊपर क्या हो रहा है, और अगर ये नहीं करेंगे तो डायनासोर्स बन जाएंगे। लिहाजा हम हर नई चीज़, मसलन हर चीज़ हमारे पास हो चुकी है, लेप्रोस्कोपी चल रही है, कटिंग चल रही है, उसके बाद मिनिमली इन्वेसिव चल रही है, रोबोटिक किलो, अब हम रोबोट ऐड करना चाहते हैं इसको। पैट स्कैन जो है उसकी बाजार में एक पैट स्कैन को मेरा ख्याल 70-80 हज़ार टेस्ट होता है, वो कैंसर के लिए ज़रूरी है, वो कुरंगी में लग रहा है, करीब 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो मूव तो करते जाना है, और यही है। और सर ये सखर में जो आपने दारा खोला है, सखर में खोलने की क्या वजह है, और वहाँ से कितने पेशेंट्स आते हैं, किस किस इलाकों से आते हैं? सखर के पहले तो चीज़ यह है कि सखर से साल में 1,500 आदमी आते थे डायलिसिस के लिए। सखर सिर्फ सखर नहीं है, वो है सराकी एरिया है, जाफराबाद तक बलूचिस्तान है, फिर कश्मोर है, जैकबाबाद है, और ये शिकारपुर है, लड़ाखंड है, सब की खैरपुर, सब के लोग जो यहाँ आते थे। तो यहाँ पर हमें पता चला जब हम लोगों ने सर्वे किया तो मालूम है कि अगर 100 आदमी चलते हैं महीने में तो आखिर में एक आदमी बचता है, तो पूछते थे आखिर ये क्या हुआ, तो उसमें पता ये चला कि सक्कर से यहाँ तक का किराया 3,000 है, और एक आदमी जब बीमार आता है तो कम से कम 2 बंदे उसके साथ आते हैं, 9,000 हो गए। यहाँ आने के बाद कोई जगह नहीं, सड़क के ऊपर पड़ा रहता है, और दूसरी मरता फिर आ नहीं सकता, ताज़ा वहीं वो कोई से हाथ में पड़ जाता है और ख़त्म हो जाता है। लिहाजा जाके हम लोगों ने सक्कर का सर्वे किया। चबलानी एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी थी, जो एक डॉक्टर थी लीला चबलानी, उन्होंने कायम की थी, बंद पड़ी थी, इस पर कब्जा कर लिया था, और हर जमात के लोग थे,
हर एथनिक ग्रुप थे और सब एक थे, तो उत्तर हम लोगों ने उसे लिया, कब्जा किया, हमारे खिलाफ भी केसेस भी पड़े हैं कोर्ट में, लेकिन एक बहुत खूबसूरत अस्पताल बन गया है। उत्तर एक 4 मंजिला और भी हमारा एक आदमी ने डोनेट किया है, 11 करोड़ दिया है, थिएटर बनना है, तो वो छबलानी जो है इट गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स इन द रीजन। जो यहाँ होता है आगे चल के तमाम चीज़ें वहाँ पर भी होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वी आर वेरी कीन टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द मेडिकल स्टूडेंट। वहाँ गुलाम मोहम्मद मेरा मेडिकल कॉलेज स्कूल है, यहाँ लड़कियाँ ज़्यादातर हैं और इतनी इंटेलिजेंट वो लड़कियाँ हैं, मोटिवेटेड हैं, इफ दे आर एक्सपोज टू द फ्यूचर मॉडलिटीज दे विल बेस्ट डू इट। तो और फिर उसके साथ से वहाँ पर पहुँचने के बाद जो हम लोग इरादा है हम लोग का, वो है कि दूसरे सेंटर कैंप करने हैं इंटीरियर के अंदर और यहाँ से इससे सबको लिंक करना है। डॉक्टर साहब, अगर जो मशीनरी या जो इलाज की बुनियादी सहूलियात यहाँ पे हैं वही इस वक्त सखर में क्या कंडीशन है, वहाँ भी वैसा इलाज होता है? सखर के अंदर और तमाम चीज़ें मोर और लेस हैं जो यहाँ पर हैं, सिर्फ पैट स्कैन के एक्सरे में वहाँ पर एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन है, एनजीओ तो मौजूद है, अल्ट्रासाउंड है और सब। और अल्ट्रासाउंड में यहीं की ट्रेनिंग बच्ची जो कर रही है समझ। उसके बाद पत्थर के लिए थिएटर मौजूद है, 3 थिएटर इस वक्त काम कर रहे हैं, डायलिसिस की 40 मशीनें चल रही हैं, लैब उसकी बहुत बड़ी एक्सपेंडेड है और ऑपरेशन भी चल रहे हैं, जाहिर है कि उसकी स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। अभी आप और कहाँ कहाँ इस तरह के इदारे खोलने का इरादा रखते हैं, इन फ्यूचर आपकी प्लानिंग क्या है? हमारी प्लानिंग फ्यूचर है कि इस छबलानी जो है, इस छबलानी को बहुत बड़ा करना है और गवर्नमेंट ने हमें ज़मीन वहाँ पर दी है, एक ज़मीन दी है करीब 28 एकड़ है, वो एयरपोर्ट के पास है, वहाँ का साइन इंचार्ज है उसकी प्लानिंग की, तो उसका जो है कंट्रैक्ट दे दिया गया है और उसके ऊपर 5 मंजिला बनेगी और वो जो बिल्डिंग होगी वो डिटो कॉपी होगी यहाँ पर जो आपने बिल्डिंग देखी है SIUT की, वही फैसिलिटीज रहेंगी। उसके बाद फिर एक और ज़मीन गवर्नमेंट दे रही है कैंसर के लिए, तो दूसरा कैंसर अस्पताल बनाएंगे, तो सबका एक बहुत अच्छा सेंटर हो जाएगा। उसके बाद हमें इंटीरियर की तरफ और जाना है, लाखाना ऑलरेडी वहाँ पर खाली है लेकिन शिकारपुर की तरफ चीज़ें नहीं है, फिर जो है थरपाक है इसकी तरफ कोई चीज़ नहीं है आते हैं, तो उन चीज़ों की तरफ है कि करें। तो ये आपके जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं उनमें कितना वक्त लग सकता है, उन पे काम चल रहा है, उनकी प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग चल रही है, ये मेरा ख्याल कंस्ट्रक्शन क्या ख्याल है 1 महीने में शुरू हो जाएगा, सेक्टर का। और रोबोटिक की कोशिश कर रहे हैं कि वो मशीन भी मिल जाए तो यहाँ भी चलेगी, बाद में सेक्टर में भी वो सही मशीन लेने की कोशिश करेंगे। इसको लेते हैं, पहले हम लोगों को लेते हैं, यहाँ पर ट्रेन करते हैं और फिर हम चाहते हैं कि यहाँ की जो फिलासफी उसको इम्बाइब करें और उसके बाद में हम उनको सेक्टर भेजते हैं, लेकिन एक चीज होता रहता है। डॉक्टर साहब, आप अभी क्या मतलब जो लोग आपके साथ इस काम में हैं, अभी आप लोगों का किस तरह का तावुन देखते हैं, सिंध गवर्नमेंट का कितना तावुन मजीद आप चाहते हैं कि उनका दरकार है मजीद चीज़ों की ज़रूरत की? ईमान की बात है कि पिछले 10 सालों में सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत मदद की है, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशन है। मतलब हमारे यहाँ सैटरडे को 1400 पेशेंट आने एवरेज आते हैं, मंडे को 1400-1500 पेशेंट आने एवरेज जाते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट के लिए OPD में कम से कम 600-700 पेशेंट, तमाम पेशेंट जो आ रहे हैं तमाम मुल्क से आ रहे हैं, उसके बाद नेफ्रोलॉजी में कैंसर में सब भरा हुआ है, तो इस पर जो खर्चा है उसकी कोई लिमिट नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ किसी को रोक नहीं सकते, लिहाजा वो गवर्नमेंट भी शायद कैन नॉट कीप पेस जितना है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जितना दे सकती है दे, हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं आवाम के ऊपर, वो जो हमें 100 रुपये एक महीने अगर जो 200 भेजते हैं, जो 50 रुपये थे उन पर, ताकि हमारा बेस बहुत काफ़ी वाइड रहे। और उससे ज़्यादा हम चाहते हैं कि जो ज़्यादा हमारी मदद नहीं कर सकते कम से कम हमारी फिलासफी को ऑन करें कि हर इंसान का पैदाइशी हक है, कि उससे कायदे से तो होना चाहिए कि तंदुरुस्ती, तालीम और एम्प्लॉयमेंट तीनों होना चाहिए, लेकिन अगर हमें एम्प्लॉयमेंट
और एजुकेशन के लिए कहूँगा तो सियासी मसला खड़ा हो जाता है, लिहाजा हेल्थ हर एक पैदाइशी हक है। जब तक आपकी सोसाइटी फुल्ली तंदुरुस्त नहीं होगी, आपका वर्किंग ईल हमेशा कम होती जाएगी। और सब आप लोगों में इतनी ये अवेयरनेस लाने में कामयाब हो चुके हैं कि वो अपनी जो उज़्वे हैं वो डोनेट करें ताकि वो लोगों के काम आ सकें। मैं कहूँगा 50-50 किसी हद तक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन जो होता है वही जो मैंने शुरू किया था कि लोग इस SIUT को दूसरे अस्पतालों से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। मतलब हम लोग कहते हैं कि हम फ्री करते हैं, उसके पीछे है कि वी ओनली चार्ज द कास्ट। फ्री का मतलब है बिल्कुल फ्री, और फ्री का मतलब ये नहीं कि मरीज हाथ फैला कर आए, मरीज अपना हक समझ के आए। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त नहीं हुआ। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि ख़ासतौर से मीडिया के लिए कि पब्लिक को एजुकेट करे कि SIUT दूसरे अस्पतालों से बिल्कुल मुनफरद है। मुनफरद इस बात में है कि जो कुछ हो रहा है पब्लिक सेक्टर अस्पताल में हो रहा है और उसी के अंदर अच्छी दिन इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, कोई इसको छोड़कर बाहर जाके कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं। और जो सेटेलाइट सेंटर बन रहे हैं वो भी पार्ट इसी का है, यहीं पर रहेंगे। और दूसरे फ्री का मतलब है एब्सोल्युटली फ्री। हमारी एजुकेशन भी MD MS भी कर रहे हैं लोग, फिजिशियन असिस्टेंट बन रहे हैं, कहीं किसी से एक पैसा चार्ज नहीं किया जाता। ज़्यादा एक्सपेंसिस हमारे बहुत ज़्यादा हैं और हमारे एक्सपेंसिस बढ़ते चले जाते हैं। एक तो वजह है कि नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहा है, दूसरा यह है कि ट्रीटमेंट जो है वो कास्टली होता चला जा रहा है। थर्ड यह है कि न्यू मॉडलिटी जो ट्रीटमेंट की हमेशा ऐड करते चले जा रहे हैं, तो हमारे एक्सपेंसेस हमेशा बढ़ते रहेंगे। मुश्किल यह है कि कैसे पेस कर आप रख सकते हैं इसे, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, आप किस तरह से फेस करते हैं? और लोगों की तरफ से अत्याच जो दिए जाते हैं, आप समझ रहे हैं कि लोग इस तरफ मायल हुए हैं, उनमें वो जज्बा है इंसानियत की खिदमत का? बिल्कुल मायल हुए हैं, लेकिन अभी भी डिविसिव हैं, ठीक है ना, इनको भी दें इनको भी दें, ये भी अस्पताल ये भी। जब तक कि कॉन्शियसली लोग अपने से अपने माइंड को इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि हम जहाँ दे रहे हैं उसकी हिफाजत कितनी है, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा। आप मुझे डोनेशन के हवाले से अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं अवाम को? डोनेशन के हवाले से जो तुम गाल किथे जो मानू किथे किथे चाहन जी रिजे साहब गाल SIUT वाहिद अदारो आ जिते मानू जडे इलाज ला अचे तो उनके यो ना तो पांजे जेब डे ना है दिसनो कें पैसा आन तो उन इलाज थी जो पैसा ना बी का भी अड़ी हॉस्पिटल ना है पाकिस्तान में जेके जेका पैसन का सवा जेका ऐसा माना तक कुछ न कुछ जरूर वन था रजिस्टर्ड आन या जक़ात वन था पर वो मतलब मानों के जो टोटल फ्री ना है। SIUT वाहिद अदारो जैमें तुम जैसे इंटर थी पेशेंट से भले 1,00,000 रुपये खर्च या 5,00,000 खर्च थे तो उनको यो न पुछब तुम पैसा आए तो इलाज क्यों पैसा ना यो फर्क है। बी गाल जो मू डोनेशन दियन चाहे तो वो दिल खोले डोनेशन दिए छो तो इलाज काफ़ी महंगो आ डायलिसिस मतलब फॉर एग्जाम्पल ट्रांसप्लांटेशन 20,00,000 रुपये खर्च है सिर्फ सर्जरी पर प्राइवेट में करा था जैसे 2 सेंटीमीटर जो स्टोन है तो उन्हें तकरीबन 1,00,000 रुपये लिथोट्रिप्स खर्च है या उन लगभग अड़े नमूने जैसे PCNL है उन्हें 1,50,000 रुपये तकरीबन खर्च है। उन अलावा जैसे मिसल तौर कैंसर के हॉस्पिटल है कैंसर जो कीमोथेरेपी है तो एक थेरेपी है वो लखन में वे थी यह सब शे फ्री प्रोवाइड करण जैसे कें भी अदारे ला उन पॉसिबल ना थी जैसे गवर्नमेंट और पब्लिक बई उन में पार्टिसिपेट न कन गवर्नमेंट दे थी जी रिज साहब चो तो मानुन के भी यो थन खपे यो सोचन खपे तो केड़ो अदारो जो कंप्लीटली फ्री दिए तो किथे जो यो बो जो जो मूँ दियन चाहे तो उन RGO के नाले से ऑफिस है रिसोर्स जनरेशन ऑफिस SIUT के अंदर है उते भी डोनेशन पा दे सकन था या जो सो बैंक में SIUT जो नंबर है उते दे सकन था जमा करा सकन था या जैसे असंगे कॉल कर सकन था असो को मूँ वन उनका वो डोनेशन वन था। नाजरीन प्रोग्राम जो सिलसिलो डॉक्टर साहब से गाल भी जारी रही पर वक्त है मुख्तसर वक्फे जो
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा मुझे ये बुधा तो जी हाँ कैंसर के हवा से बुधा बार वार्ड वो सब एस आई यू टी में जी उनमें ही वर्क कन था एस आई यू टी पार्ट है उनमें मिसाल तौर पर बार पीडियाट्रिक यूरोलॉजी है वो पाकिस्तान जो मुनफरद एक वाहिद अदारो बार डायलिसिस है वो सिर्फ एस आई यू टी में फैसिलिटी है बी किथे कोन इन वक्त सजे मुल्क में असा जे एस आई यू टी में सिर्फ है बार सर्जरी है यूरोलॉजी का जो मतलब वन ईयर जो है एक साल को नंढो बार तो उनका यो वाहिद इतने है कैंसर जी भी फैसिलिटीज हैं सर्जरी है रेडिएशन रेडियोथेरेपी है कीमोथेरेपी है जो भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हैं वो सब एस आई यू टी में अंडर वन रूफ मौजूद हैं डायग्नोस्टिक उनमें रेडियो न्यूक्लियर पावर का वी सी टी स्कैन का वी अल्ट्रासाउंड का वी पैट स्कैन तीन सब शूं तो यो आम मानू के पोच का बाहर है आम मानू के तस्वर का बाहर है तो यह सब शे फ्री मुहैया कर सकते थी जो वक्त अमेरिका इंग्लैंड में फैसिलिटीज हैं वो सब इतने फ्री थन उन वक्त में पॉसिबल है जैसे पब्लिक उनमें पाँजो हेल्प कंदी है एस आई यू टी असा वहाँ डॉक्टर साहब यह सूरत हाल है जो सरकारी अस्पताल के दरन से मरीज बिना इलाज थे तड़पी तड़पी फौत थी वन था ये जो तुम बुधा तो इन वक्त सजे पाकिस्तान का हटी कर वाहिद एस आई यू टी अदारो है जिते अड़ी जदीद मशीनों तो नई जो बाहर अमरीका या लंडन या इंग्लैंड में मूल इलाज कराने वन था उतें की टेक्नोलॉजी या उतें इलाज से कि कंपेयर करो था या तुम कि बेहतर का बेहतर या उन तरह जो जो इतने फैसिलिटीज प्रोवाइड कर इन तड़न मरहलन में या दुखियन में गुजरण पवे यह गाल टेक्नोलॉजी तो महंगी है ठीक है ना पाकिस्तान में अस टेक्नोलॉजी अक्वायर कर रहा हूँ जो असा लिहाज का सूटेबल है असके थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव थे थी मिसाल तौर अस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है जो सजे दुनिया में नई सर्जरी है माना की होल सर्जरी उनका रोबोटिक जो है रिजे साहब जो बुधा तो अस प्रोग्राम है रोबोटिक सर्जरी के इंट्रोड्यूस कर पाकिस्तान में ज़ाहिर है जैसे नई टेक्नोलॉजी जो है जैसे यूज नी थे कें मुल्क में उनके रिजल्ट्स ना थे तेसुन अस फायदेमंद ना है तेरे अस हमेशा यो दिसा तो जो टेक्नोलॉजी नई है वह केतरी फिजिबल है असाजे लाइ अस सूरत अस मेंटेन केतो कर सूँ तो वो अस खरीद क्यों तो ज़ाहिर मुश्किल तो मिसाल तो रोबोट साई जो प्रोग्राम हो तो अस वो पर काफ़ी दिन से डिले कर तो असो यह तो सस्ती थे मार्केट में एतो कॉस्ट जो अस अफोर्ड कर सकूँ सो बरहल यह स्ट्रगल है जो कंटिन्यूटी कंटिन्यू है जो आम मानू के उ फैसिलिटी जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं जो मूँ आम तस्वर नो कर डोर स्टेप से पहुंचे वन अच्छा सखर के हवाले से मुझे थोड़ा बुधाज सखर में भी ये एतरी डेवलपमेंट अच्छी चुकी है जितनी इतने प्रोवाइड कई वे थी या उतने अभी कड़ी कड़ी शय की खोट है जो आवाम दई सन उतने अत्या जिन जिन शय सखर में बुधा डायलिसिस है लिथोट्रिप्सी है सर्जरी है उनका इमेजिंग पर फ्यूचर में सखर जो समझो मतलब मिरर इमेज एस आई यू टी कराची जो हाँ उत कैंसर हॉस्पिटल असो प्लैन है उत अस पीडियाट्रिक्स जो प्लैन है लिवर जो है छो तो हेपेटाइटिस सी काफ़ी कॉमन है तबर है 20% मानून के है तो लिवर जो सेंटर जो जी आई जो वॉर्ड भी उन्हें अस इंक्लूड कदास इनशाला बी जो भी इतने सहूलत जैं जैं थी वन तो उत अस ट्रांसफर कदास जैं उत मानू के इतने न अचो पे उनके डोर स्टेप से आ अच्छा इन फ्यूचर अड़ा इरादा जो हाँ सखर में है उन डॉक्टर साहब जी गाल शिकारपुर में इन तरह किथे किथे खोलने जो इरादो रखो था फ्यूचर प्लानिंग इन हवाले से फ्यूचर प्लान हाँ असि तो ख्वाहिश है हर बड़े शहर में खास कर जिते मेडिकल कॉलेजेस उतने ट्रांसप्लांट यूनिट फॉर एग्जाम्पल जो लियाकत मेडिकल कॉलेज में रिजी साहब की काफ़ी ख्वाहिश है तो उतने ट्रांसप्लांट यूनिट ठे लाड़काने में ट्रांसप्लांट यूनिट ठे उनका सखर में असो ट्रांसप्लांट यूनिट जो है फ्यूचर प्लान इनशाला तला ये ख्वाहिश है डॉक्टर साहब उजवा डोनेट करने के हवाले से जी हाँ लिवर जिंदा मानून जी जिंदगी में जो ये वसीयत करे था वन इन हवाले से अवेयरनेस केतरी था दिसो इन जो प्रोसेस हो तो मानून के किए कायल कर सकते तो मानून के कायल तो इनमें मीडिया काफ़ी मीडिया जो वो रोल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो तमाम वो रोल है ए मानून में अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है कानून मौजूद आ अजकल तो आलिम भी इनकी फेवर में गलन था कॉन्फ्रेंस थन पे इनकी फेवर में
माण्हुनि खे ॿुधाइण जी ज़रूरत आहे, अवेयरनेस पैदा करणी ज़रूरत आहे, उन में मीडिया जो वॾो रोल आहे। ऐं माण्हू चाहिनि बि था, माण्हुनि जी ख़्वाहिश बि आहे, पर अञा ताईं इन में थोरो सो सोसाइटी खे अॻिते अचण जी ज़रूरत आहे। असां चाहियूं था त माण्हू अॻिते अचनि, छाकाणि त हर साल 1.5 लख खां वधीक माण्हू उज़वनि जी ख़राबी जे करे ऐं उज़वनि न हुजण जे करे मरी था वञनि। त इहो तमामु वॾो हिकिड़ो लॉस आहे। सॼी दुनिया में इहो प्रोग्राम हले पियो, इस्लामी मुल्कनि में बि हले पियो, यूरोप में बि हले पियो, इंडिया में बि हले पियो, मलेशिया, इंडोनेशिया, जिते किथे आहे। असां वटि बि इहो क़ानून मौजूदु आहे ऐं असां कुझु ट्रांसप्लांट कया बि आहिनि, कुझु माण्हुनि पंहिंजा उज़वा अतियो कया आहिनि, पर हिन में वधीक माण्हुनि खे अॻिते अचण जी ज़रूरत आहे। जिस्म जा कहिड़ा कहिड़ा उज़वा जेके आहिनि, जिस्म जा ॿ बुकियूं उज़ो करे सघूं था, डोनेट जिगर डोनेट करे सघूं था, दिलि करे सघूं था, उनखां पोइ फिफड़ करे सघूं था, अखियुनि जा ॿ परदा करे सघूं था, उनखां पोइ अॼुकल्ह त आंड्रा बि ट्रांसप्लांट थियनि था, अॾियुनि जा जोड़ बि ट्रांसप्लांट थियनि था। तक़रीबन 24 असां उज़वा पंहिंजा डोनेट करे सघूं था। पर ही जेके ज़िंदगी बख़्शींदड़ उज़वा आहिनि, जीअं जिगर आहे, जीअं बुकियूं आहिनि, जीअं दिलि आहे, फिफड़नि ऐं रोशनाई, अखियुनि जी रोशनाई, इहे अहम उज़वा आहिनि। जेकॾहिं माण्हू इन में बि अॻिते अचनि त हाणे मां अखियुनि जो जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त 13 लख माण्हू वेट था करनि अखियुनि जे परदे जे लाइ, उहे ॾिसी कोन था सघनि, उन्हनि खे रोशनाई खपे। त माण्हुनि खे अॻिते अचण जी ज़रूरत आहे हिन मामले में। माण्हू चाहींदा, माण्हू अॻिते ईंदा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो वॾो रोल आहे हिन में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खे हिन ते पंहिंजी मुहिम हलाइणु खपे हिन जी फेवर में। डॉक्टर साहब, तव्हां बि हिते काफ़ी वक़्त खां कमु कयो था, कीअं ॾिसो था 40 साल अॻु में जीअं डॉक्टर अदीब साहिबु ॻाल्हि कई त शुरूआति थी, उनखां पोइ मुख़्तलिफ़ पर ॾुखियाईनि मां गुज़रंदे गुज़रंदे इदारे तरक़ी कई आहे। तव्हां सम्झो था त अञा वधीक इन कम खे वधाइण जी ज़रूरत आहे ऐं अञा वधीक इनखे फैलाइण जी ज़रूरत आहे, त जीअं हर किथां माण्हू जेके आहिनि सो इन मां फ़ाइदो हासिलु करे सघनि। तमामु घणी ज़रूरत आहे, तमामु घणी ज़रूरत, छाकाणि त मर्ज़ु वधे बि थो, माण्हुनि में सुजाॻी बि पैदा थिए थी इलाज कराइण जे लाइ, ऐं ॿियो जेको हीअ जेका फिलोसॉफी आहे मुफ़्त इलाज वारी ऐं इज़त नफ़्स सां, कुझु अदारा ॿिया बि आहिनि, दावा बि कनि था त असां इलाज कयूं था मुफ़्त में, पर उते तव्हां ईंदो तव्हांखे पुछंदा अफोर्ड करे सघो था न, सोशल डिपार्टमेंट में मोकिले छॾींदा। उते तव्हांखे साबित करिणो आहे त तव्हां अफोर्ड नथा करे सघो। SIUT में तव्हांखे इहो साबित करण जी ज़रूरत ई न आहे, तव्हां अफोर्ड करे सघो था या न। तंहिंखां पोइ ठीकु आहे, कुझु अदारा जेकॾहिं फ्री ॾियनि बि था त फॉर्म था भराइनि। मूंखे हिकिड़े दोस्त ॿुधायो, उहो वठी वियो पंहिंजे माइट खे, त उन में खोड़ सारा कवायफ़ आहिनि त तव्हां हीअं आहियो, तव्हांजो मज़हब कहिड़ो आहे, सेक्ट कहिड़ो आहे। SIUT दरवाज़ा खुलिया पिया आहिनि हर वक़्तु, कोई बि अचे। अदीब साहिब जी हिकिड़ी वॾी तमामु शानदार सोच आहे त हाणे शलवार कमीज़ पई आहे सुठी कल्फ लॻल, मास्तर आहे, टीचर आहे, पर उन जी आमदनी केतिरी आहे, असां सम्झूं थी अफोर्डिंग आहे। असां उनखे जूं तोखे असां कोन था ॾियूं इलाज। आगा ख़ान में तव्हां वञो, मिसाली ॻाल्हि आहे, मुंहिंजे वालिद जो हुते ऑपरेशन थियो, असांजे वालिद जे भरिसां हिकिड़ो ॿिए जो ऑपरेशन थियो, हाणे उहो पूरा पैसा न पिया ॾेई सघनि, त हुननि वीचारनि खे सोशल डिपार्टमेंट में वञिणो पियो, हुते साबित करिणो पियो। अच्छा, घरनि ॾे टीमूं वञनि थियूं, ईअं बि थिए पियो, घरनि ॾे टीमूं वञनि थियूं, इहो ॾिसणु त वाक़ई नॉन अफोर्डिंग आहे या अफोर्डिंग आहे। त SIUT जी हिकिड़ी यूनिक शइ आहे, हिते तव्हांखे का हचक न आहे करिणी, साबित न आहे करिणो त तव्हां केरु आहियो, अफोर्ड करे सघो था नथा करे सघो, इहो। ऐं ॿियो जेको अदीब साहिबु चयो न, हिते सभु कुझु आहे। मूंखे यादि आहे त साईं खे कंहिं ज़माने में जॾहिं इंस्टिट्यूट ठहे पियो त माण्हुनि इहा सलाह ॾिनी त बाबा किथे वञो डिफेंस में, हिते हुते वञी प्लॉट वठो, उते वञी अदारो खोलियो, ऐं पोइ तव्हां सरकार खां बि आजाउंदासीं। साईं चयो न, असां हिते ई खोलींदासूं, डॉ जे भरिसां कराची यूनिवर्सिटी सां लाॻापियल हूंदासीं ऐं हिन जॻह ते खोलींदासूं। त अहिड़े नमूने सिविल में ई खोली, ऐं जेतिरा बि असांजा अदारा आहिनि उहे ई, जीअं हाणे सखर वारो आहे, उहो असां हिकिड़ो मेटर्निटी होम हो जेको, जंहिंमें असां इहो अॾियो आहे पंहिंजो इहो, ऐं ॿियो जेको प्लॉट जो साईं ज़िक्र कयो, त हर शइ आवाम जी आहे ऐं सरकार जी आहे, ॿिन्ही जी आहे, ऐं माण्हुनि खे फ़ाइदो ॾियणो आहे ऐं सख़्तु ज़रूरत आहे हिनखे वधाइण जी। सखर में असीं कोशिशि कयूं पिया हुनखे वधाइण जी, ऐं असांजो थिएटर कॉम्प्लेक्स ठहे पियो, तंहिंखां पोइ 28 एकड़ ते कंस्ट्रक्शन हाणे शुरू थींदी, ऐं असांजो प्रोग्राम आहे त अञा बि थोरो अंदरि वञूं, लाड़काणे जी ज़िक्र कयो साईं, शिकारपुर आहे, जेकब आबाद आहे, थरपारकर में सख़्तु ज़रूरत आहे। त असांजी सोच इहा आहे त माण्हू अची कोन था सघनि, असां सखर में माण्हुनि खे चवंदा आहियूं बाबा कराची अचो, चवंदा आहिनि असां कोन था अची सघूं। ऐं 4 सेंटीमीटर जो मसान जो पथर खणी हिकिड़ो बाबो सखर में, मां हुन ॾींहुं वियुसि OPD करणु,
मुझे बाबा छो इलाज न करायो एडो सर वडो पत्थर है ए तकलीफ़ में आयो चई बाबा इलाज कौन था कराए सकूं अची कौन था सकूं सखर जो बुद्धोसूं जो इतने इलाज थींदो मुफ्त में थींदो तंहिं करे मां आयो मूंखे खबर ही तो पत्थर आए डॉक्टर बुधायो पर इलाज असां कौन था कराए सकूं त इहो ॾाढो वॾो मसलो आहे ऐं सख़्तु ज़रूरत आहे इनखे वधाइण जी ऐं माण्हुनि खे उन्हनि जे घर जे भरिसां सहूलियत ॾियण जी डॉक्टर साहब रोज़ की बुनियाद पे पता नहीं कितने हज़ारों मरीज़ आते हैं कभी आप पे फोर्स हुआ है क्योंकि यहाँ पे बिला तफरी तबकाती निज़ाम नहीं है कभी कोई फोर्स हुआ है कि इस पेशेंट को पहले देखें इस पे ज़्यादा तवज्जो दें या नहीं हमारे पेशेंट का नंबर पहला फोर्स तो होता है लेकिन हम लोग 40 साल में आदी हो गए हैं कि कुछ लोगों की प्रायोरिटी है मतलब टीचर कोई भी टीचर हो प्राइमरी को मदरसे को या यूनिवर्सिटी को टीचर विल नॉट स्टैंड द क्यू एक चीज़ है तो ये ना टीचर जो मास्टर है देख ला अपना कार्ड वो नंबर आएगा दूसरे वो डॉक्टर जो खुद बीमार है और ऐसी औरत जिसका बच्चा रो रहा है वो रुक नहीं सकती और नाबीना अदरवाइज किसी भी पार्टी तीस जो एक चीज़ आती है बहुत सीरियस कोई पेशेंट उठा के आया है तो वो सीधे अंदर चलाएगा ना सबको नंबर से देखते हैं और हर शख्स अब आदी हो गया है पब्लिक आदी हो गई है और इसमें सबसे अच्छा जो आप देखना चाहती हैं कभी सक्कर जाइए शबलानी में देखिए लोग रात में आते हैं 2 बजे 1 बजे से आकर बैठ जाते हैं और सुबह अपना नंबर लेकर नंबर के इंतजाम में और यहाँ भी होता है कि रात में लोग आते हैं नंबर लेकर बैठे लेकिन उनका जिस तरह नंबर अगर है मेरा तो नंबर आप हटा नहीं सकती मेरा वो हक़ है हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपने आम पर कुछ भी नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी इज्जत नफ्स तो सेटिस्फाई हो जाएगी जी हम पहले गए तो हमें पहले देखा गया तो प्रॉब्लम नहीं होती एजुकेट होती है हमें मालूम है कि हमारे बेस्ट मरीज़ जो हैं वो आते हैं लियारी से ठीक है ना अब जिसके लोग कहते हैं बदमाश कि वो अपने नंबर पर बैठेंगे लेकिन उनका नंबर कोई ले नहीं सकता हमारी प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब VIPs आते हैं अपने खुद कहते हैं कि उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है कि कुछ सुनता नहीं शिकायत लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं देखिए अब पब्लिक से जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सोसाइटी ये एक्सेप्ट कर ले जिसे आप मसावात करते हैं इक्वलिटी कहते हैं कि ये हेल्थ जो है हर बंदे का पैदाइशी हक है उसे फ्री होना चाहिए ऐसा बता रहे थे डॉक्टर साहब कि अगर आप जाएं तो आपको साबित करना होता है कि मेरे पास एक पैसा नहीं है तो देखिए आई एम अब्दुल माइसर मेरा एक इंग्लिश के टीचर था मैंने DJ से पढ़ाया तो बेचारा खड़ा हुआ वो थे एक्सरे के लिए गया सुबह हम लोग ड्यूटी पे जा रहे थे तो उससे नर्स मजाक कर रही थी कि इतनी अच्छी कमीज पहनी है और 27 रुपया नहीं दे सकते वो बेचारा जो है कह रहा था कि नहीं मेरा वॉलेट नहीं आया नहीं हंस रहे थे लोग टीचर डीजे का तो हम लोग जो अंदर गए और जाने के बाद उसको तो दलील किया उन लोगों को बाद में इनको लेकर गए तो वो आदमी पसीने पसीने हो रहा था उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा एक्सरे करा दे बीवी का तो होता यह है कि आप मेरे सामने आकर के अगर प्लीट करें कि आपके पास पैसे नहीं हैं और प्लीज़ मैं कर दूँ तो एक्चुअली यू आर पॉइंटिंग ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट तो हमने बहुत बड़ी चीज़ आपसे ले ली तो इलाज फ्री तो नहीं हुआ तो अगर किसी और ये अगर इज्जत नफ्स आप किसी की जो है सेल्फ रिस्पेक्ट आप ले लेते हैं तो हो सकता है कि उसके पैर का दर्द तो चला जाएगा लेकिन उसके जहन में जो दर्द रहेगा तो आम जिंदगी रहेगा कि हमें ये करना पड़ेगा इसलिए कहते हैं इट हैज़ टू बी विद डिग्निटी इज्जत नफ्स के साथ होना चाहिए और वो मुसीबत होगा जो हम इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट करते हैं कि हर इंसान बराबर है और उसका पैदाइशी हक है उसे हेल्थ फ्री मिले प्रोग्राम के आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों सुनने वालों मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने शुरू किया था जैसा प्रोफेसर मंदूर ने भी बताया तो 8 बेड था उसके बाद चलते थे तो लोग कहते थे यूटोपियन है ये नहीं चलेगा हो नहीं सकता
फिर हमने उनका चीज़ हम एड नहीं लेंगे बाहर की कोई, तो फिर बिल्कुल पागल हैं ये लोग, कम्युनिस्ट हैं ये वो हैं। लेकिन अगर आज आप देखिए तो 41 साल हो चुके हमने चाहे सेलिब्रेट किया, और इफ़ एनीथिंग 8 बिट से 850 बिट से इस सेंटर में हो गए। जो सिर्फ यूरोलॉजी थी, नेफ्रोलॉजी हुई, ट्रांसप्लांटेशन हुआ, पीडियाट्रिक हुई, कैंसर हुई, एथिक्स हुई, सब फैलती चली गई, वो सब हो गई है। तो कहना ही चाहूँगा मैं यंगस्टर्स को, इट इज़ डूएबल। इस मुल्क में आप हुकूमत की तरफ देखें, लेकिन हुकूमत तरफ इतना ना देखें जितना आपको आवाम की तरफ देखना चाहिए। अल्टीमेटली आपके आवाम जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, और मेरा ख्याल है कि फॉरेन एड की तरफ ना जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया, तांजी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन अज असा डॉक्टर अदीब साहब सा गाल बोल कई सी, तमाम प्यारो इंसान, तमाम प्यारी सोच, ऐ सनस यो ही फलसफो आए तो सभी इंसान बराबर आए, मसावात ऐ बराबरी जो दर्जो दींदे सनन यो फलसफो तो हेल्थ हर मानू जो बुनियादी हक आए, ऐ उनन के यो हक मिलन घुर्जे। उनन लाए पान हन वक्त तई स्ट्रगल करे रहया हन, असा सबनी के घुर्जे त असा जेतरा पाजा अत्या देई सकू, पाजा उजवा डोनेट करे सकू, ऐ माली हवाले सा बेनेदारी के जेतरो मुस्तहकम ऐ मजबूत करे सकू, उन में तवा के असा के पंजो किरदार अदा करन घुर्जे। इतना ला तादाद मरीज अचन था जी शिफा वी कर वन था, जिन वट पैसों को गरीब आन जी गुर्बत सब पी बीमारी जो इलाज ना कराए सन, उन एक मसीहा है, एक वही खिदमत है। अचो तो सभी भरपूर पैं इन में हिस्सों गंढ्यू। इंद प्रोग्राम तीन इजाजत अलावा है।